हेलो गाइस, दिस इज एजुकेशनल एंडेवर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आवर टुडेज टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये तो हुई डेफिनेशन की बात, लेकिन इसको हम अगर प्रैक्टिकली समझना चाहें तो जब एक लाइट रे एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की ओर जाती है, तो उस लाइट में कुछ डेविएशन हो जाता है। जिस पाथ पे वो जा रही होती है उस पाथ पे ना जाके वो थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। तो जैसे कि हम डायग्रामेटिकली यहां पे समझ सकते हैं, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूं म्यू टू, एंड द रेयरर मीडियम इज एयर। वी आर टेकिंग एयर हेयर एंड दिस इज ग्लास, और यहां पे हम देख सकते हैं अगर म्यू वन एयर है तो एयर है हमारा यहां पर रेयरर मीडियम, यहां रेयरर मीडियम है, एंड दिस इज ग्लास एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। तो जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है तो हम देखते हैं कि किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है। अभी हमने बोला कि यहां पर एक लाइट रे आ रही थी जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरती है ठीक उसी पॉइंट पे नॉर्मल हम बनाते हैं सरफेस के ऊपर, तो ये हो गई नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस हम इसको बोलेंगे। दिस रे इज नॉर्मल टू द सरफेस। एंड जब ये लाइट रे अगर सेम मीडियम में अगर ये ट्रेवल कर रही होती तो ये कुछ इस पाथ पे जाती। अगर ये सेम मीडियम होता, यहां पर तो ये मीडियम अलग है, ये म्यू वन है ये म्यू टू है, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का अलग अलग है, लेकिन अगर ये सेम मीडियम होता तो ये जो मैं ब्लू लाइन से ये रास्ता बता रहा हूं इस रास्ते पे ये लाइट रे जाती। लेकिन इस रास्ते पे ना जाते हुए जब एक लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी मुड़ जाती है। अब यहां पर ये जो एंगल बनाया इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाया इसे बोला जाता है इंसिडेंट एंगल, आई इज इंसिडेंट एंगल। एंड जो रिफ्रैक्टेड रे, ये जो लाइट रे थोड़ी सी बेंड हो गई है दूसरे मीडियम में आके, इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। इस लाइट रे ने जो नॉर्मल के साथ में यहां पर एंगल बनाया है इसे बोलते हैं एंगल आर, और एंगल आर है यहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये तो हुआ बेसिक सी बात कि हम रिफ्रैक्शन को समझना चाहते थे तो हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझा कि रिफ्रैक्शन क्या है। जब एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो कुछ पार्ट तो लाइट का वहां पर रिफ्लेक्ट भी होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई मीडियम 100% रिफ्रैक्टिंग है या फिर 100% रिफ्लेक्टिंग है, तो कुछ पार्ट यहां पे, कुछ पार्ट जैसे कि यहां पे कुछ पार्ट यहां पे इसका लाइट रे का ट्रांसमिट हो गया है, इसके अलावा यहां पे कुछ पार्ट इसका लाइट का यहां से रिफ्लेक्ट भी हो चुका होगा, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हुआ था और कुछ पार्ट यहां पर रिफ्रैक्ट हुआ, तो हम बेसिकली इस रिफ्रैक्टेड रे की बात करेंगे। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एक्चुअली रिफ्रैक्ट हुई क्यों है, इसको इसने अपना पाथ चेंज क्यों किया। सो यहां पर जो इंसिडेंट रे है ये ऐसे अगर सेम मीडियम में होती तो ये सीधा चले जाती, लेकिन क्योंकि यहां पे ये एक मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, इस वजह से इसकी पाथ में कुछ डेविएशन आ गया, जिस डेविएशन का हमने फिजिक्स की भाषा में नाम दिया इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसका बेसिक कॉज है स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर मैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखूं, एयर के म्यू वन को देखूं, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर वी वन है तो ये एक रेयरर मीडियम है, म्यू वन जो हमारे पास है एयर, यहां पर रेयरर मीडियम है, और एयर का रिफ्रैक्टिव, अगर हम एयर ना भी लें तो भी रेयरर मीडियम हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है एज कंपेयर टू एयर का रिफ्रैक्टिव, जो यहां पे हमारा रेयरर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है एज कंपेयर टू म्यू टू दिस मीडियम। तो रेयरर मीडियम तभी है जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, और डेंसर मीडियम ये तभी है जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है।
तो यहां पर हम बात करेंगे कि म्यू वन इज इक्वल टू सी बाय वी वन एंड म्यू टू इज इक्वल टू सी बाय वी टू। इस मीडियम के लिए अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो ये कुछ वी टू होगी, और क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम टू में कुछ अलग है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विच इज रेयरर, यहां से हम बोल सकते हैं म्यू वन जो है वो वी वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि म्यू वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी वन एंड म्यू टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी टू। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर म्यू वन छोटा है म्यू टू से, म्यू वन इज स्मॉलर देन म्यू टू, और यहां पे हम देख भी सकते हैं कि एयर है, एयर जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो छोटा है एज कंपेयर टू ग्लास, म्यू टू इज डेंसर मीडियम एंड म्यू वन इज रेयर मीडियम। तो हम इस इक्वेशन से अनुमान लगा सकते हैं कि वी वन जो होगा वो बड़ा होगा और वी टू छोटा होगा, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा उसकी वेलोसिटी कम। तो यहां पर वेलोसिटी इन मीडियम वन, ये लाइट की जो भी वेलोसिटी होगी मीडियम वन में वो ज्यादा होगी क्योंकि म्यू वन छोटा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू वन मीडियम ये छोटा है, और म्यू टू क्योंकि बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू का ज्यादा है, इस वजह से हम बोलेंगे इस मीडियम में लाइट के वेलोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू मीडियम वन। तो ये तो हमारी बात हुई बेसिक कॉज की, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का जो बेसिक कॉज है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इस वजह से लाइट बैंड होती है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि लाइट किधर कब बैंड होगी, जैसे कि यहां पे तो हमारा हुआ है कि लाइट जो बैंड हुई है नॉर्मल की तरफ बैंड हुई है, ये इसलिए बैंड हुई है क्योंकि रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही थी, लेकिन अगर डेंसर से रेरर में जाती तो क्या होता, उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन बताता हूं। तो देखिए, तो हम पार्टीशन बना लेते हैं, हम दोनों में अलग अलग समझेंगे, एक पे मैं बना देता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, अब हम दो मीडियम्स बना लेते हैं, मान लेते हैं इस ये मीडियम वन है म्यू वन एंड दिस इज मीडियम टू म्यू टू। अब मैं मान लेता हूं कि ये रेरर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम म्यू टू। तो जब लाइट रे रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरेगी, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरेगी उस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना होता है। अब जब हमने ये नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर ये सेम मीडियम होता तो लाइट रे इस तरह से सीधे चले जाती, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम मीडियम में लाइट स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, तो यहां से लाइट रे स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाती है अगर ये सेम मीडियम होता, लेकिन क्योंकि ये रेरर मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला, मुझे ऐसे याद रहता है इस वजह से मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा आसान है याद करने के लिए, नहीं तो मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती, इस वजह से मैं हर चीज़ को ट्रिक्स से याद करता हूँ। तो जब लाइट रे रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, तो आर डी टी ये आपको भी याद रखना है, तो आर डी टी रेरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल की तरफ जाना था, इधर थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, तो जैसे कि हमने देखा कि जब लाइट रे रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो थोड़ा सा बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। का सेकेंड टाइप देख लेते हैं, जैसे कि पहला हमने किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, अब हम इसका उल्टा करते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर टू रेरर मीडियम, तो यहां पर भी हम दो मीडियम्स बना लेते हैं, ये है म्यू टू, इस बार हम इसको डेंसर मीडियम बोल रहे हैं इस तरफ, और नीचे वाला मीडियम है म्यू वन, इसको हम रेरर मीडियम बोल रहे हैं। तो एक डेंसर मीडियम है और एक रेरर मीडियम है, तो अब लाइट डाल के देखते हैं इस पे क्या होता है। अब हमने इस पे एक लाइट रे डाली,
ये था डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम। तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा हमको। ये नॉर्मल बन गया, अब नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये सेम मीडियम में लाइट रह जाती तो ये स्ट्रेट पाथ में आगे चले जाती, लेकिन क्योंकि ये मीडियम अलग अलग है इसको याद करने के लिए हमें याद रखना है डी आर ए। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चले जाएगी, अवे, ए फॉर अवे। तो जब ये लाइट रे सीधे जा रही थी तो इस पाथ पे ये ट्रेवल करती अगर सेम मीडियम होता, लेकिन क्योंकि ये अलग मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर में आते वक्त लाइट रे नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चले जाती है, और जो ये नॉर्मल के साथ में जो ये एंगल बना रही है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो बेसिकली यही दो तरीके से हम करते हैं, रेयर से डेंसर मीडियम में और डेंसर से रेयर मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, आप ये घर पे भी कर सकते हैं। मैंने ये ग्लास लिया है और उसमें वाटर भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, तो एज अ डेंसर मीडियम मैं इस वाटर को यूज़ करूंगा और ये एयर है यहाँ पर जो इसको हम एज अ रेयर मीडियम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अपैरेटस बहुत ही सिंपल है, अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दैट लेजर लाइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। सो लेट्स डिमॉन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमें लाइट बंद करनी पड़ेगी तो हम समझते हैं। मैंने ये ग्लास लिया है फुल ऑफ वाटर एंड लेजर लाइट मेरे हाथ में ही है अभी, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाएं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है रियल पाथ ऑफ लाइट रे, ये जो जा रहा है रेड 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 लेजर लाइट है ये, तो इसका जो ये पाथ है ये आप देख सकते हैं, ये इसका रियल पाथ है। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है अभी, क्योंकि ये सेम मीडियम में है, अभी एयर में है, ये इसके पीछे कुछ नहीं है अभी, तो ये एयर में भी ट्रेवल कर रही है, तो ये एकदम स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इस वाटर के ग्लास से पास करा रहा हूँ तो देख सकते हैं आप कि ये थोड़ा सा अभी ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, इस वजह से ये एकदम सीधे जा रही है, ये एकदम सीधे पाथ पे जा रही है क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है अभी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये एकदम सीधे पाथ पे जा रही है। लेकिन जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना शुरू किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा कुछ। ये था इस लाइट रे का रियल पाथ, ये जो था इसका लाइट रे का रियल पाथ था, लेकिन ये रियल पाथ से भटक कर कुछ अलग कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना के ये इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब यहाँ से बाहर आ रही है ये फिर वापस उसी पाथ पे आ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल के तरफ मुड़ जा रही है। आर डी टी रेयरर टू डेंसर देन द लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। एंड जब ये लाइट रे इस वाटर जो वाटर ग्लासेस के अंदर है उसके बाद जब ये बाहर आ रही है तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आ रही है। जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट रे आती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाती है, तो इसका ये नॉर्मल है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल बनेगा, देन उससे दूर की तरफ ये मुड़ जा रही है। इसका मतलब ये है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, यही हमने थ्योरेटिकली अभी समझा था। और जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है, और जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जा रही है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट रे में मैं किधर भी एंगल जो भी एंगल मैं बढ़ा रहा हूँ, इस वजह से बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, तो ये लाइट रे बार बार डेविएट हो रही है अपने पाथ से। अब एक चीज़ और देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो लाइट रे वाटर के अंदर वाटर के सरफेस से यहाँ से टकरा कर वापस जो मुड़ रही है ये एक अलग फिनोमिना है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको TIR बोलते हैं, इसको किसी और वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम यहीं पे ये एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं। हमारा जो पर्पस था ये समझाने का वो पूरा हुआ, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिला होगा। सो इन द लास्ट आई वॉन्ट टू से इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड यू थिंक दैट दिस चैनल इज़ यूजफुल फॉर यू देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू कॉमेंट लाइक एंड शेयर टू आवर वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस वीडियो और एनी अदर डाउट रिगार्डिंग फिजिक्स देन डू कॉमेंट योर डाउट एंड
आई विल बी वेरी प्लीजफुल टू आंसर यू. थैंक यू.